अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मानिया अलहम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विद माय अनदर व्लॉग एंड आफ्टर सो लॉन्ग मेरा व्लॉग आ चुका है फाइनली। अभी मैं पूरी लंबी दास्तान सुनाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर मैं आपको सीधा मुद्दे पे आऊं। मैं मुद्दे पे आती हूँ सीधा, और ये कि आपकी बहन की शादी हो चुकी है और शादी का मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरा मोबाइल जो था वो ख़राब हो गया था, सो दैट्स वाई मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। अब खैर मेरी शादी हो चुकी है, और शादी को भी माशाल्लाह से एक महीने से अब हो चुका है, और अभी जो है वो हम लोग बैठे हुए हैं डायबो के स्टेशन पे, डायबो एक्सप्रेस के स्टेशन पे बैठे हुए हैं, और हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पर जा रहे हैं हम लोग अपनी। हमारी शादी पे एक महीना हो चुका है, सो हमने सोचा एक ट्रिप वगैरह भी करना है भाई। मेरे मियाँ जी जो है वो मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं जी, तो फ़िलहाल वो खड़े हुए वो प्रिंट निकलवा रहे हैं टिकट के टिकट की, और ये हम फिलहाल स्टेशन पर बैठे हुए हैं, और हमें आए हुए 5 मिनट ही हुए हैं। ये हमारा लगेज है, ज़्यादा सामान हम नहीं लेकर आए। ये रहे हमारे टिकट, और ये रहा मेरे मियाँ का टिकट, और हमारे जो टिकट हुए ना वो हमने ऑनलाइन करवाए थे। हम बेसिकली हम लोग जा रहे हैं एक एजेंसी के थ्रू ट्रिप पे जा रहे हैं हम, सो हम दोनों के टिकट जो हैं वो उन्हीं ने करवाए थे, सो उनकी तरफ से ही जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने नामों से करवा देते हैं। मेरा अरूसा के नाम से हुआ और इनका अजीम के नाम से हुआ हुआ, तो ये रहे फ़िलहाल हमारे टिकट हैं। और अभी हमारी बस में कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 7:30। हमारी बस जो है वो 8 तक इंशाल्लाह निकलेगी, और हम लोग जा रहे हैं डायबो स्लिपरी। सुनाता है कि क्या नाम है, ये डायबो की जो बस होती है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे निकलती है, बिल्कुल वेट नहीं करती, तो इसलिए हम लोग जो है वो आधे घंटे पहले ही आ गए थे, और अभी जो है 15 मिनट और हैं हमारी बस निकलने में, सो हम लोग वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि टाइम पे पंक्चुअल हैं ये लोग, या फिर हम और खुआर होंगे अभी बैठ कर। तो अचानक से सीन कुछ ये हुआ, हम लोग बैठे हुए थे और उन्होंने आकर कहा यहाँ के इंचार्ज ने कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। हमें लगा था शायद 8 बजे ये लोग लगेज वगैरह रखेंगे, लेकिन 8:15 तो उन लोगों ने बस बोला आप लोग अब जाके अपना लगेज रखवाएं, और 8 बजे फिक्स यार मतलब बस जो है वो निकल गई थी, और टाइम का मतलब इन लोगों ने बहुत पुकारा, और हम लोग भी जो है वो टाइम से आ गए थे, हमारा सब कुछ टाइम से हो गया था, और फिक्स टाइम पर 8 बजे जो थी वो बस निकल गई थी। ये 10:11 नीचे वाला होगा फिर। यार हमें जो है ना वो सीट मिली है नीचे की, और नीचे की सीट में ये है कि हमें मिरर जो है ना वो यही वाला मतलब इतना सा मिलेगा, जो ऊपर की सीट होती है ना उसमें पूरा मिरर होता है। और खैर यहाँ पे ये LCD है, अभी फ़िलहाल बस स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे क्या क्या सीन है, लेकिन ये बेड वगैरह काफ़ी मतलब बड़ा है, हम लोग मतलब सुकून से रिलैक्स होके यहाँ पर कम्फर्टेबल होके जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो हम लोग अभी रिलैक्स चिल मार रहे थे, इनको तो देखो, तो ये भी हमारा रिफ़्रेशमेंट आया है डायबो में, और इसमें इन्होंने पता नहीं क्या दिया है, ओपन करके देखते हैं। सो हमें पता था खैर रिफ़्रेशमेंट आएगा इस वक्त पे, तो उसमें चीटोज़ है, सैंडविच है, और कपकेक है, और रियो बिस्किट है, वही मतलब रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें आई हैं इसमें, हमारी इंक्लूड 3 लोगों के पैकेज में। तो ये भी हमारा दोनों का रिफ़्रेशमेंट आ चुका है। सो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को शो करवा रही थी, अभी हमें लाकर जो है वो रिमोट और हेडफोन वगैरह दे दिए थे हमें, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने जैसे ही LCD ऑन करी तो उसमें जो है सबसे पहले सफ़र की दुआ थी, हमने वो ऑन करी, और बस हमारा सफ़र जो है वो ये था बहुत बहुत अच्छा गया। डायबो का हमारा एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत अच्छा गया, मतलब बेस्ट।
ना अब जो है वो हम लोग हैदराबाद से आगे निकल चुके थे, तो हमने मतलब खाना ये घर से मैं लेकर गई थी नगेट्स बना के, सो ये खाना हम लोगों ने अपना बस स्टार्ट करा और फिर इसके बाद जो थे वो हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। ये वीडियो जो है वो सुबह के 4:30 बजे मैंने बनाई थी। ये 4:30 बजे जो है हमारी बस रुकी थी सखर में, और सखर में जो है वो हमें ये बिरयानी के बॉक्सेस मिले थे जिसमें ये 2 बिरयानी के बॉक्स थे, उसमें 2 बिरयानियाँ आई थी हमारे लिए, और ये भी मतलब इसमें इंक्लूड था, हमारे पैकेज में इंक्लूड था बस के। तो सुबह हमारी हो चुकी है और अभी हम लोगों ने नाश्ता करा है, और नाश्ते में हम लोगों ने सैंडविच भी खाया है, नगेट्स भी खाए हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल जो है खाने वाले में हैं, और इसके बाद अब हमारा जो स्टेशन आएगा, अभी नीचे भी उतरे थे हम लोग, लेकिन नीचे इतनी देर का स्टॉप नहीं होता कि मैं व्लॉग वगैरह शूट करूँ। इसके बाद जो स्टेशन होगा वो लाहौर का होगा इंशाल्लाह, वहाँ उतरेंगे हम। फिलहाल अभी जो है वो हमारी ड्राइवर रुकी थी सियालकोट पर, और इसके बाद जो है बस वो लाहौर का स्टेशन है, देन इसके बाद सीधा हमारी डेस्टिनेशन पर रुकेगी गाड़ी इंशाल्लाह। और सियालकोट पर रुके थे हम लोगों ने जो है थोड़ा खाना वाना खाया है, और अब बस जाने लगे हैं हम बस में। और सियालकोट का स्टेशन बहुत ही हसीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जो सियालकोट का ये स्टेशन है, ये है, और ये मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टेशन पे हम लोग उतरे ये उसमें सबसे बड़ा और अच्छा स्टेशन था, जो काफ़ी मतलब बड़ी शॉप्स थी। मैंने आगे जाकर दिखाया नहीं क्योंकि हमारी बस जो थी वो यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकी थी। चलो यहाँ पर जो है वो अब हम लाहौर से भी आगे निकल गए थे, और अब हमारा सफ़र जो है वो आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका था। और मैं अगर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट, तो यार मतलब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग फ़र्स्ट टाइम डायवो में हम लोगों ने ट्रैवल करा है, बाय रोड हम लोग वैसे ही बाय रोड फर्स्ट टाइम दोनों ने ही सफ़र करा था। और ये देखें आप लोग कितने मतलब अच्छे यहाँ पे मतलब रोड साइड जो है ना सियालकोट से आगे जाके बहुत अच्छे व्यू भी मिले थे हमें, और मतलब कोई वो नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर हम दोनों गए। और इसका ये था डाइवो का जो हम लोगों को टिकट पड़ा था वो हमें पर पर्सन का 9500 पड़ा था, लेकिन ये था हमें मतलब लगा कि हमारे पैसे जो हैं वो बिल्कुल वसूल है, हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर गए थे और कोई टेंशन नहीं थी। और यहाँ पर जो है अब फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, और ऑन दी टाइम हम लोग पहुँचे थे, बस जैसे कि 15 to 20 मिनट्स हम लोग लेट हुए थे, और हम लोग जो है ना वो टाइम पर रावलपिंडी के स्टेशन पे पहुँच गए थे। और यहाँ पर जो है ये बात कर रहे थे गाड़ी वाले से, गाड़ी करनी थी हमें इस्लामाबाद के होटल में जाना था, सो वहाँ के लिए हमने गाड़ी करवाई, और ये मुझे भूख लग रही थी सो मैंने कॉर्न करवा लिए थे अपने लिए क्योंकि बहुत भूखी हो रही थी। स्पेशल कौन सा है, बारबेक्यू? आपने स्पाइसी करने हैं? नॉर्मल स्पाइसी, फिर हॉट एंड स्पाइसी करने कल। ये 6 दिन का कर ले तो फिर क्या पैकेज बन जाता है? 6 दिन का नंबर ले ले, नंबर वहां फेंक देना वो साइड में। सो यहाँ पे जो है वो होटल के रिसेप्शन पे थे हम लोग, थोड़ी सी उन्होंने हमसे डिटेल ली थी, रूम हमारा ऑलरेडी बुक था, बस जैसे उन्होंने थोड़ी सी डिटेल ली थी, इनका NIC नंबर वगैरह लिया था, देन उसके बाद हमारा ये होटल है। और ये बहुत प्यारा मतलब होटल हमें बहुत अच्छा लगा था, माशाल्लाह से बहुत हसीन है। थैंक यू गाइस। अभी जो है वो हम लोग आ गए थे होटल में, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थकी हुई हो रही थी कि बस जो है ना
मैं आकर सो गई और ये भी सो गए थे अभी तो फ़िलहाल, ये जो है ना वो टीवी ऑन करके बैठे हुए। सो अभी जो है हम लोग उठे हैं और इस वक्त जो है 8:43 हो रहे हैं और अभी हमारा खाना भी आने वाला है। सो खाना वाना खाएंगे। आज का व्लॉग अगर जैसे भी हो थोड़ा इग्नोर करिएगा और थोड़ी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करिएगा। इंशाल्लाह कल से बहुत मजे के व्लॉग आने वाले हैं, कोई भी व्लॉग मिस नहीं करिएगा। दाल जो है वो अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों को ही बहुत भूख लग रही है। सो खाना आता है उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी। आगे फिर मैं व्लॉग एंड कर दूंगी यार, क्योंकि बहुत अभी जो है ना आज एनर्जी लेवल थोड़ा लो हुआ है। इंशाल्लाह से कल बहुत मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। सो हम लोग भी जल्दी सोएंगे क्योंकि हमने सुबह उठना भी जल्दी है। फिर सुबह का व्लॉग जो है वो मैं न्यू उससे स्टार्ट करूँगी। सो अभी जो है मैं खाना देखते हैं खाना कितनी देर में आता है। भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो जी फाइनली हमारा खाना भी जो है वो आ ही गया, काफ़ी लेट हो गई लेकिन यह है खाना आ गया था। और ये जो है वो सेवर का यहाँ का पुलाव है और ये शायद काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ये अपने काम में लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए। सो ये है हमारा बहुत पुलाव, बहुत अच्छा था। गाइस हमने खाना भी खा लिया है और खाना बहुत अच्छा है। ये बदतमीजी कर रहे हैं। सो खाना हमने खा लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा कुछ गलतियाँ हो तो उनको इग्नोर कीजिएगा। सो होपफुली यू गाइस लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।